हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम बी बर्ड्स। आई होप यू आर वेल एंड ऑल योर बर्ड्स आर ऑल्सो वेल। सो बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो है हमारा स्प्लिट्स के हवाले से, जो कि बर्ड्स म्यूटेशन बर्ड्स में जो स्प्लिट्स होते हैं जिसमें ओ बी स्प्लिट, बी बी स्प्लिट और बहुत सारे स्प्लिट्स होते हैं जिसमें बी एफ बी बी स्प्लिट भी होते हैं, ऑरेंज स्प्लिट भी होते हैं, हाफ ऑरेंज स्प्लिट्स भी होते हैं, ओ बी 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 जिसे कहते हैं। तो ये सब जो स्प्लिट्स होते हैं उनकी जो पहचान होती है वो कैसे की जाती है, क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा बर्ड किसका स्प्लिट्स है और उनके पास म्यूटेशन आ रही होती है, बट वो उनको पता नहीं होता कि कौन सा स्प्लिट्स आया है। और अक्सर होता है वो ब्लैक ब्रेस्टेड अगर चिक्स आया तो, बट वो किसका स्प्लिट्स है वो प्योर है नहीं है, तो उसकी जो पहचान होती है वो कैसे होती है, और जो ऑरेंज होती है, ऑरेंज स्प्लिट जो होते हैं एनजी में, उसकी क्या पहचान होती है, तो उस हवाले से बात करेंगे। तो इसमें मेरे पास कुछ स्प्लिट्स हैं जिसमें बी एफ बी बी है और बी ब्लैक फेस है, बी बी स्प्लिट्स है और ऑरेंज स्प्लिट्स है, एन जी ओ बी स्प्लिट्स हैं। तो इसमें स्प्लिट पीसीस हैं जिसके मैं जिनको बताऊंगा कि वो कैसे होते हैं। तो ये आपको बेसिकली इसाबिल फोन दिख रहा होगा जिसे इसाबिल फोन कहते हैं, बट फ्लोरिडा फैंसी भी कहा जाता है इसे, इसाबिल ऑरेंज भी कहते हैं। तो इसके आप जब ये जो नॉर्मल इसकी जो म्यूटेशन है वो इस फ्लोरिडा फैंसी है, और बट ये मेरे पास जो है वो ओ बी स्प्लिट है, यानी ऑरेंज ब्रेस्टेड का स्प्लिट है। क्योंकि जब आप इसके जब फेदर्स जब इसके विंग्स जब आप खोलेंगे तो इसमें आपको दिखेंगे लाइट इज बिल्कुल ऑरेंज, आपको शेड नज़र आ रहे होंगे, तो बिल्कुल लाइट इज शेड नज़र आ रहे हैं, तो इसकी पहचान होती है बर्ड जो है ओबी का स्प्लिट्स है। अब ये इसकी प्योर इसकी अपनी ब्रीड होती है तो बिल्कुल ये सिंपल सा होता है, कुछ भी नहीं होता ऐसे शेड्स, बल्कि अगर फेदर्स में भी होते तो इसका ब्रेस्ट बिल्कुल सिंपल सा होता, और अगर ये फ्लोरिडा फैंसी होता। और अब इसका जब आप ब्रेस्ट जब चेक करेंगे, जब इसका चेस्ट देखेंगे वो भी स्प्लिट पीस का, तो उसमें भी आपको बिल्कुल स्पॉट नज़र आ रहेंगे। अभी इसके आप विंग्स देख सकते हैं, अब इसका जब आप ये चेस्ट देखेंगे तो इसमें आपको बिल्कुल स्पॉट लाइट नज़र आ रहेंगे, तो ये लाइटी स्पॉट्स हैं, तो इसकी पहचान है ओ बी स्प्लिट पीस की, ये ओ बी स्प्लिट्स है। और इसी तरीके से ये आप इसकी ये फीमेल देख सकते हैं, ये भी ओ बी स्प्लिट्स है, बट ये ऑरेंज है, इसाबिल में ऑरेंज है, तो ये प्योर नहीं है क्योंकि ये स्प्लिट्स है। अगर प्योर होती तो ये वाइट अलग होती, इसाबिल जैसे कहा जाता है, तो ये वो भी स्प्लिट्स है। तो इसकी आप टेल मार्किंग देखें तो ये ज़ीब्रा में टेल मार्किंग है इसकी, और इसकी लाइट बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज है, बिल्कुल लाइट जो होता है, तो ये बिल्कुल शेड्स इसके जो हैं टेल मार्किंग की बैक साइड में देखेंगे तो बिल्कुल ऑरेंज शेड्स हैं, और इसकी फेदर्स पे आप अंदर देखेंगे तो बिल्कुल लाइट शेड्स होते हैं, क्योंकि फीमेल्स की बेसिकली बहुत हल्की मार्किंग होती है तो इसीलिए। और ये जो है ये मेरे पास ब्लैक चीक जैसे कि होता है, तो वैसे ही फ़ोन चीक आता है, एक जो फ़ोन चीक म्यूटेशन नहीं है खैर, बट फ़ोन में होता है, तो ये फ़ोन चीक है, बट ये भी ओ बी 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 स्प्लिट्स है, तो ये ऑरेंज का स्प्लिट पीस है। तो इसके आप पर्स में देख सकते हैं इसके फेदर्स में कि आपको ऑरेंज ऑरेंज शेड्स नज़र आ रहे होंगे, दो तीन विंग्स, तो ये ओ बी स्प्लिट का पीस है, तो इसके आपको ये ऐसे नज़र आ गए। अब ये ज़ीब्रा कॉमन ज़ीब्रा होता है, यानी कि फ़ोन चिक भी होता, तो सिर्फ आपको इसका सिर्फ ये ब्लैक इसकी बॉडी नज़र आ रही होती जब आप इसके विंग्स देखते, तो इसमें आप कुछ भी ऑरेंज नहीं होता। अब आप इसके ब्रेस्ट बेंच अब इसका आप चेस्ट देखेंगे तो इसमें आपको बिल्कुल लाइटिश ब्राउन में, तो इसके लाइटिश ब्राउन में ऑरेंज ऑरेंज ऐड हो रहा है। अब ऑरेंज जब आप इसके जब फेदर्स ये आप देख सकते हैं ऑरेंज स्पॉट्स आए हैं, तो ये ऑरेंज स्पॉट्स आए हैं, तो ये ओबी स्प्लिट्स है, यानी कि ऑरेंज ब्रेस्टेड का स्प्लिट पीस है। और इसका चीक भी बिल्कुल लाइटिश ऑरेंज है क्योंकि ब्राउन में शेड्स में, तो ये ओबी स्प्लिट्स की पहचान होती है। अब ये मेरे पास दो मेल हैं जिसमें मेरे पास एक म्यूटेशन में ब्लैक फेस है और एक एनजी है। अब मैं पहले इस तरह ये डिफरेंट बिटवीन कर दूं कि ब्लैक फेस और एनजी में क्या क्या डिफरेंट होता है, तो क्योंकि ब्लैक फेस और एनजी में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि थोड़ा सा लोग तो कुछ लोग जो होते हैं उन्हें समझ नहीं आता। तो ब्लैक फेस जो होता है उसका एनजी के मुकाबले में देखा जाए तो एनजी होता है उसका फेस बिल्कुल आइस के नीचे जो बेसिकली वो होती है लाइन वो बिल्कुल खाली होती है, उसमें कुछ भी नहीं होता। अब ये स्क्रीन पे आप ब्लैक फेस देख रहे हैं, इसका आप आइस के नीचे और इसकी वो चिक के बराबर में जो आप इसकी लाइन देख रहे हैं वो बिल्कुल ब्लैक है, वो फेस कहलाता है, तो वो फेस की पहचान होती है। और ब्लैक फेस की पहचान उसके फेस से और उसकी टेल मार्किंग से की जाती है, जिसके उसके क्योंकि टेल मार्किंग पे स्पॉट्स आ रहे होते हैं ब्लैक फेस के। और ये एनजी मेल है बिल्कुल सिंपल सा, इसमें कुछ भी ना तो उसमें फेस है और ना ही उसका ब्रेस्ट है और ना ही ये कोई स्प्लिट्स है, क्योंकि इसमें अगर स्पॉट भी होते तो ये स्प्लिट्स होता। और ये बी एफ ब्लैक फेस है और स्प्लिट बी बी गए, क्योंकि इसका फेस आप देखें और इसके लाइटी स्पॉट्स हैं, तो ये बी बी स्प्लिट है, तो इसके हल्के फुल्के स्पॉट्स आ रहे हैं। अगर ये प्योर बी एफ बी बी होता तो इसके पूरे ब्रश जो होता है पूरा ब्लैक होता, बट ये ज़ीब्रा मार्किंग भी है तो ये ब्लैक फेस स्प्लिट टू बी बी है। और ब्लैक फेस की यही पहचान है, उसका फेस और उसकी टेल मार्किंग के स्पॉट्स आपको बता देंगे, अगर फेस भी लाइट होगा बट उसकी टेल मार्किंग के ऐसे स्पॉट्स होंगे तो सही, नहीं तो आपको ये एनजी में बिल्कुल
क्लियर कुछ भी नहीं है, ये होती है स्प्लिट स्प्लिट्स की पहचान ब्लैक फेस की। अब ये आपको मेरे पास जो है ब्लैक फेस है एक, और एक जो है मेरे पास ब्लैक फेस ब्लैक बस्टिट है, बट दोनों पट्ठे हैं अभी ना मोल्ड कर रहे हैं, तो इसमें फिर भी थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। तो आप ये ब्लैक फेस देखें और ब्लैक फेस स्प्लिट देखें और ये ब्लैक फेस प्योर देखें, ये राइट पे जो है वो ब्लैक फेस ब्लैक ब्रस्टिट है। अब इसका फेस देखें और इसका ब्रश देखें आप, अब ये फेस देखें बिल्कुल डार्क है, और ये अभी मोल्ड क्लियर करेगा तो पूरा पूरा डार्क कर लेगा अपना फेस, और इसका फेस और इसका ब्रश जो है वो ब्लैक पूरा ब्लैक है। अगर इसमें ज़ीब्रा मार्किंग ऐड होती तो ये हमारे को ब्लैक फेस सिर्फ ब्लैक फेस होता, जो लेफ्ट पे जो मेल है वैसा होता, बट ये ब्लैक फेस ब्लैक ब्रस्टिट है और ये स्प्लिट बीसी का है। अगर ये बी सी स्प्लिट नहीं होता तो ये हमारे पास ऑरेंज की जगह ब्लैक चीक होता, ये हमारे पास पूरा 3B कॉम्बिनेशन आया था, तो ये पूरे 3B होता फिर, बट ये स्प्लिट बी सी का है, 3B की 3B से निकला हुआ है, तो ये बी सी स्प्लिट टू बी एफ बी बी ए स्प्लिट टू बी सी, और ये होती है ब्लैक फेस ब्लैक ब्रस्टिट की पहचान। और ब्लैक फेस आपको राइट में दिख रहा होगा, उसका आप फेस देखें और ब्लैक फेस ब्लैक ब्रस्टिट का चेस्ट देखें, तो आप ये मार्किंग स्पॉट भी देख सकते हैं इसमें कितना फ़र्क है, क्योंकि उसके पूरे पैचेस जो हैं पूरे बॉडीज में फैले हुए हैं, क्योंकि फेस और ब्रश जब ऐड होता है तो हाफ बॉडी पूरी ऐड हो जाती है। तो ब्लैक फेस और ये बेसिकली 3B कॉम्बिनेशन के दोनों बर्ड्स हैं, 3B वर्किंग के बर्ड्स हैं दोनों, क्योंकि BCBB के साथ हम फेस की ऐड करें अगर फेस तो हमारे को 3B रिसीव होगा। तो ये आप इसका चेस्ट देखें, ना तो इसमें कोई ज़ीब्रा मार्किंग है ना तो कोई फेस है, तो ये बेसिकली 3B की फेस की जो पहचान होती है वो अक्सर फेस से और टेल से होती है, बट ये आप इसमें ब्रश भी ऐड है तो ये BFBB कहलाता है। और ये स्प्लिट है BC का, तो इसमें ऑरेंज की जगह ब्लैक की जगह ऑरेंज है, तो ये होती है ब्लैक चीक, ये होती है BFBB की पहचान। तो बेसिकली ब्लैक फेस का कोई स्प्लिट नहीं होता, क्योंकि ब्लैक फेस जो है वो डोमिनेट होता है, ब्लैक फेस आता है तो बर्ड ब्लैक फेस कहलाता है, नहीं तो कोई ब्लैक फेस स्प्लिट नहीं होता। तो ये डिटेल थी जो शेयर करनी थी, तो आई होप यू एंजॉय दी वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।